वेलकम टू मूवी बॉक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जो 2022 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है डोमिनेंस, और यहाँ पर कौन किस पे रूल करेगा वो आपको मूवी में ही पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन के 4 साल बाद डायनासोर अर्थ पर आ गए। अब क्योंकि डायनासोर इंसानों की गलती से वापस अर्थ पर आए थे, इसीलिए दुनिया भर के लोगों का डायनासोर के अस्तित्व को लेकर अलग अलग विचार थे। कुछ लोगों का मानना था कि डायनासोर के लिए दोबारा से जुरासिक पार्क बनाना चाहिए। कुछ लोग कहते थे कि उन्हें भी जीने का हक है, लेकिन क्योंकि इस हैबिटेट में डायनासोर फिट नहीं हो पा रहे थे और उसकी वजह से इंसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, कई लोगों की जानें जा रही थी, इसीलिए ज्यादातर इंसानों का मानना था कि डायनासोर्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, यानी उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने डायनासोर्स को बचाने का काम बायोसिन जेनेटिक्स नाम की कंपनी को दिया था, जो डायनासोर्स के डीएनए पर रिसर्च करके नई मेडिसिन का इजाद किया करते थे। लेकिन इस कंपनी में बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज होती थी जो हमें आगे पता चलेंगी। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं, जो पहले डायनासोर थीम पार्क की ऑपरेशनल मैनेजर थी, लेकिन अब क्योंकि सभी डायनासोर्स आजाद हैं, इसलिए क्लेयर उनकी कालाबाजारी को रोकने का काम करती है। क्लेयर को एक सीक्रेट लोकेशन का पता चलता है जहां पर डायनासोर्स के बच्चों को कैद करके रखा गया था। वो और उसके दोस्त वहां पर जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बीमार डायनासोर मिलता है जो अब बहुत कम जीने वाला था। वो किसी तरह उसे वहां से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम ओवेन को देखते हैं, जो पहले यूएस नेवी के लिए काम किया करता था। वो दिल का बहुत ही अच्छा था और डायनासोर्स को इंसानी बस्ती से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम करता था। क्लेयर और ओवन एक दूसरे के साथ एक गुमनाम और महफूज जगह पर रहते थे, क्योंकि 4 साल पहले उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था मेसी लेकवुड, और ये बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है क्योंकि इसे किसी ने जन्म नहीं दिया बल्कि इसे क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वो दोनों नहीं चाहते थे कि किसी को इसके बारे में पता चले, इसलिए वो मेसी को शहर की तरफ जाने से मना करते थे। लेकिन मेसी को ये पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और अक्सर वो उन दोनों से नाराज रहती थी। मतलब कौन ही सिर्फ 2 लोगों के साथ 4 सालों तक एक ही जगह पर रहना चाहेगा। ओवन ने एक डायनासोर भी पाल रखा था जिसका नाम उसने ब्लू रखा था। हम देखते हैं कि उसका एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन उस दिन एक आदमी उनका पीछा कर रहा था और किसी को उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अगली सुबह लाखों की तादाद में लोकेस्ट यानी टिड्डे आते हैं, जो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को खा जाते हैं। देखते ही देखते उनका झुंड पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर एली आती है, जो एक पालियो बॉटनिस्ट थी, यानी कि पौधों को स्टडी करने वाली साइंटिस्ट। वो नोटिस करते हैं कि टिड्डों ने सारी फसल खा ली, लेकिन उन्होंने बायोसिन कंपनी की सीड से उगाई गई फसल को नहीं खाया। उसे दाल में कुछ काला लगता है और वो अपने फ्रेंड एलन ग्रांट के पास जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि ये सभी लोकस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड है, लेकिन इसके पीछे बायोसिन का ही हाथ है। ये दुनिया को बताने के लिए उन्हें प्रूफ चाहिए था कि बायोसिन कंपनी दुनिया की फूड सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है ताकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेसी और वो डायनासोर जिसका नाम ब्लू था, दोनों एक दूसरे के सामने ही होते हैं। ओवन उसे देख के काफी हैरान था क्योंकि ब्लू भी जेनेटिकली मॉडिफाइड था और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि इम्पॉसिबल था। ओवन उसका पीछा करता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वो शिकारी मेसी और ब्लू यानी उस डायनासोर के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। ब्लू ओवन पे बहुत गुस्सा था, लेकिन वो उससे वादा करता है कि वो उसके बच्चे को जरूर वापस लाएगा। वो दोनों अपने दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास डायनासोर की तस्करी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो उन्हें बताता है कि माल्टा में डायनासोर की नीलामी होने वाली है, और क्योंकि उस रैप्टर का बच्चा बहुत ही स्पेशल है तो उसकी भी नीलामी वहीं पर हो रही होगी और शायद मेसी भी वहां पर मिल जाए। डॉक्टर एली और एलन बायोसिन के सेंचुरी में पहुंचते हैं, जहां पर डायनासोर्स को सुरक्षित एनवायरनमेंट में रखा गया था। एली का फ्रेंड मैलकम, जो बायोसिन के लिए काम करता था और काफी अमीर हो गया था, वो एली को बायोसिन के काले कारनामे बताता है और उसे एक सीक्रेट लैब का एक्सेस देता है। डॉटसन का फ्रेंड हेनरी, जिसने इन सभी लोकस्ट को बनाया था, वो काफी टेंशन में था क्योंकि वो लोकस्ट मर नहीं रहे थे और उनकी भूख भी शांत नहीं हो रही थी। वो सभी को एक साथ मारने के लिए कहता है, लेकिन डॉटसन उसे तुरंत ही समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसे ये भी बताता है कि माइसी उसे मिल गई है। ओवन माल्टा पहुंच गया था। यहाँ पर हम कायला नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने ब्लू के बच्चे को बायोसिन तक पहुंचाया था। क्लेयर उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। ओवन उस आदमी का पीछा करता है जिसने उसकी बेटी को किडनैप किया था, और फाइनली उसे पता चलता है कि माइसी बायोसिन के अंदर है। अब क्योंकि वहां पर गैर कानूनी काम हो रहा था, इसलिए वहां पर ओपन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और डायनासोर्स आजाद होकर सभी को खाने लगते हैं। डायनासोर्स क्लेयर और ओवन का भी पीछा करते हैं, लेकिन कायला क्लेयर को बचा लेती है। अब कायला और क्लेयर दोनों बायोसिन जा रहे थे, ओवन भी उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन एक लड़की जो वहां पर डायनासोर्स की नीलामी करने आई थी, ओवन के पीछे डायनासोर्स भेज देती है, और डायनासोर्स के साथ एक लंबी चेस के बाद ओवन फाइनली प्लेन के अंदर आ जाता है और उसकी जान बाल बाल बच जाती है। दूसरी तरफ माइसी बायोसिन में पहुंच चुकी थी, जहां पर हेनरी उसे बताता है कि लेकवुड ने उसे अपने डीएनए से बनाया है, वो भी अकेले। लेकिन बाद में पता चला कि उसे एक सेलुलर डिजीज है और वो नहीं चाहती थी कि माइसी को भी वही बीमारी हो, इसीलिए उसने माइसी के डीएनए को मॉडिफाई कर दिया, और जब वो पैदा हुई तो उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं थी।
हेनरी उस रैप्टर के बच्चे और मैसी पर रिसर्च करके अपने बनाए हुए क्रिएचर्स को इम्प्रूव करना चाहता था। मैसी को सब पता चल चुका था, इसलिए वो उस रैप्टर को आजाद कर देती है, जिसके बाद पूरे सिक्योरिटी अलार्म बज जाते हैं। एलन जो लोकस्ट की वीडियोस और सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, अंदर अलार्म की आवाज सुनकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें मैसी मिलती है, जो एक दूसरे को जानते थे। डॉटसन को पता चलता है कि मैसी के पेरेंट्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो ADS सिस्टम को बंद कर देते हैं, जो उड़ने वाले क्रिएचर्स को ऊपर आने से रोकता था। ADS के डीएक्टिवेट होते ही एक क्रिएचर उनके ऊपर अटैक कर देता है। उनका प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्लेयर तो पैराशूट से नीचे आ जाती है, लेकिन प्लेन के अंदर और कोई बैकअप प्लान नहीं था, इसलिए प्लेन क्रैश लैंड कर जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सभी बच जाते हैं, और बुरी बात ये कि वो एक दूसरे से अलग हो चुके थे। कायला का प्लेन एक जमे हुए तालाब पर लैंड करता है, जहाँ पर एक डायनासोर ओवन को ठंडे पानी में गिरा देता है। इससे पहले वो उन दोनों को कच्चा खा जाता, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डॉटसन को पता चल जाता है कि मैलकम और उसके असिस्टेंट ने एली की हेल्प की सैंपल्स इकट्ठा करने में, इसलिए वो मैलकम को जॉब से निकाल देता है, और जिस पॉट से एली और एलन बाहर निकल रहे थे उसे बीच रास्ते में रोक देता है, और उस रास्ते में बहुत सारे खतरनाक डायनासोर थे। एली और एलन केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो बहुत सारे डायनासोर्स के बीच में घिरे हुए हैं। डायनासोर्स उन पर अटैक करते हैं। वो तीनों किसी तरह एग्जिट गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन गेट पर लॉक लगा हुआ था जो सिर्फ कोड से ओपन होता था। मेलकम भी वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे भी कोड नहीं पता था, लेकिन उसका असिस्टेंट ऑफिस में ये सब देख रहा था और वो गेट को ओपन कर देता है। क्योंकि वो सभी आसपास ही थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे को ढूंढने में समय नहीं लगता। डॉटसन देखता है कि सभी जगह अब उन टिड्डों का ही जिक्र था, इसीलिए वो सारे सबूतों को मिटाना चाहता था। वो उन क्रिएचर्स को जिंदा जला देता है, लेकिन वो लोकस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उस ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद जो सीन देखने को मिलता है वो इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है। वो सभी जलते हुए बाहर निकलते हैं और पूरा आसमान शाइन करने लगता है। वो सभी अंदर की ओर भागते हैं, लेकिन तभी वहां पर गिगन ऑटोसोरस आ जाता है, जो अब तक का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था। वो उन्हें खाना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह ऊपर की तरफ भागते हैं। भागते समय मैसी सीढ़ियों पर फंस जाती है। डायनासोर उसे खाने वाला था, लेकिन मैलकम उसका ध्यान भटका देता है। लेकिन कोई ना कोई गिगनोटोसोरस के जबड़ों में गिरने ही वाला था, लेकिन वो सभी बाल बाल बच जाते हैं। अब उन्हें बाहर निकलने के लिए एक प्लेन चाहिए था। अंदर जाकर उन्हें प्लेन तो मिल जाता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले ADS सिस्टम को एक्टिवेट करना था, ताकि कोई भी उड़ने वाला क्रिएचर उनके ऊपर आसमान में अटैक ना कर पाए। लेकिन अंदर की पावर सप्लाई खराब हो चुकी थी, और ADS स्टार्ट करने के लिए उन्हें मेन पावर सप्लाई को ऑफ करना था, इसीलिए वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। एली मेन पावर सप्लाई को बंद करने जाती है। इसी बीच डॉटसन बायोसिन के सभी क्रिएचर्स को सिग्नल देकर लैब की तरफ बुलाता है, ताकि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दें और उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना बचे। एली मेन पावर सप्लाई को बंद कर देती है। डॉटसन वहां से बाहर भाग रहा था। वो रैमसे को ऑफर देता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन रैमसे उसकी तरह नहीं था, वो उसे साफ मना कर देता है। डॉटसन वहां से बाहर निकल रहा था, लेकिन पावर सप्लाई ना होने की वजह से वो बीच में ही अटक जाता है, और वहां पर बहुत सारे डायनासोर उसे घेर लेते हैं और उसे खा जाते हैं। सभी डायनासोर बायोसिन की तरफ आ रहे थे। वो सभी बाहर आते हैं, लेकिन कायला को लैंड करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। जब फाइनली वो लैंड करती है, तो उसके सामने वही गिगनोटोसोरस खड़ा था। वो सभी चुपचाप वहीं पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वो उनके लिए नहीं आया था। वहां पर एक और डायनासोर होता है, और वो दोनों एक दूसरे के राइवल होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, और उनकी आपस की लड़ाई का फायदा उठाकर वो सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन वहां पर रिपोर्टर्स आते हैं, और सभी को बायोसिन के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह वो सभी डायनासोर्स को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अदालत की कार्रवाई चलती है, जिसमें रैमसे, मैलकम और एली बायोसिन के खिलाफ गवाही देते हैं। गवर्नमेंट फैसला लेती है कि बायोसिन के सेंचुरी में कोई भी इंसान नहीं रहेगा। डॉक्टर हेनरी वो भी उन लोकस्ट का इलाज निकाल लेते हैं, ताकि वो अर्थ के फूड साइकिल को डिस्ट्रॉय ना करें। हम ओवन को देखते हैं, जो छोटे रैप्टर को उसकी माँ को सौंप देता है। ब्लू ओवन को थैंक यू बोलती है, मतलब मुंह से नहीं, गेस्चर से। और आखिर में हम देखते हैं कि सभी इंसान डायनासोर्स के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो भी इस अर्थ का एक पार्ट है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता।